डिस्टिंक्ट पेंटिंग्स के लिए देश भर में मशहूर आर्टिस्ट गोपाल स्वामी खिताजी की पेंटिंग एग्जीबिशन पधारो मारे देश मुंबई के नेहरू केंद्र में आयोजित की गई। यह एग्जीबिशन 3 दिसंबर तक चलने वाला है। इस साल खिताजी ने पधारो मारे देश थीम पर 16 पेंटिंग्स की एक सीरीज तैयार की है, जिसमें उन्होंने शेखावटी राजस्थान के कई जाने माने उद्योगपतियों के पुरखों की जलरोचरी हवेलियों को रिक्रिएट किया है। इस एग्जीबिशन के लिए बनाई इन सभी पेंटिंग्स में चित्रित हवेलियां मूल रूप में जर्जर है, रिक्रिएट कर कल्पना की है। जब ये इमारतें बनी होगी तब कितनी खूबसूरत रही होगी, देखते हैं इस पेंटिंग एग्जीबिशन की एक झलक। प्लास्टिक पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट गोपाल स्वामी खेतांची की पधारो मारे देश थीम पर आधारित पेंटिंग एग्जीबिशन मुंबई के नेहरू सेंटर में आज आयोजित होने जा रहा है। इसमें 16 पधारो मारे देश के थीम पर 16 ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो शेखावटी के जो उद्योगपति हैं उनके पुरखों की जर्जर हो चुकी हवेलियों की पेंटिंग्स हैं। इन्हें उन्होंने रिक्रिएट किया है। इस वक्त हम उस एग्जीबिशन सेंटर में खुद खड़े हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको जो पेंटिंग्स हैं। आप मेरे ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, वो पेंटिंग्स है, ये हवेलियाँ हैं, ये हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर है जिसे स्वामी गोपाल स्वामी जी ने इसे रिक्रिएशन किया है। इस वक्त हमारे साथ खुद आर्टिस्ट गोपाल स्वामी खेतांची जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और इन पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ये पेंटिंग्स क्या है, कैसे और कब बनाई गई हैं और कितना समय लगा इन्हें बनाने में। ये मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं शेखावटी क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। इन हवेलियों के आसपास ही हमारा बचपन बीता है और इन्हीं से हमने प्रेरणा लेके कुछ चीज़ें पेंटिंग सीखी है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इनके हवेलियों की खूबसूरती, इन्हें शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं उनकी खूबसूरती सब दुनिया के सामने लेके आऊँ। इसके लिए मैंने इस विषय को चुना क्योंकि इसका आर्किटेक्ट भी अनूठा है, इसमें जो चित्र बने हैं वो भी अनूठे हैं, कलात्मकता के अपने आप में एक उदाहरण है और अच्छी एक हेरिटेज है जिसको संजो के रखा जाए तो एक अच्छा टूरिज्म प्लेस बन सकता है राजस्थान। सर, इस पेंटिंग्स में हमने देखा है कि इसमें कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पेंटिंग्स के अंदर जो हमें पुराने समय की जो हमारे हवेलियाँ होती थी जो राजाओं के समय की थी वो सारी चीज़ें इसमें झलकती हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में झलकती हैं। मैं इसके लिए आपको मेरे पेंटिंग के साथ में लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि वहाँ उसमें क्या क्या खासियतें उनमें होती थी उनके आर्किटेक्चर में। चलिए, दे सकते हैं इस वक्त हम एक पेंटिंग के पास खड़े हुए हैं और हमारे साथ गोपाल स्वामी जी मौजूद हैं। अब हम उनसे जानेंगे इस पेंटिंग के बारे में किस तरीके से इसे बनाई गई और ये कहाँ की है। ये नवलगढ़ की पेंटिंग है, नवलगढ़ में है और ये इसके जो बनावट है जैसे इसके दरवाजे की बनावट है, ये दरवाजे की स्पेशल बनावट होती थी ये जो आप देख पा रहे हैं और ये जो लोहे की जो चौखट है, चौखट एक अलग तरीके से बनाई जाती थी वहाँ पे और इसका आर्किटेक्चर आप देखेंगे अंदर आते ये लॉबी बन गई, लॉबी बन गई, एक छोटा सा ये बरामदा बनता है और फिर उसके घर के अंदर एंट्री, घर में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती वहाँ पे, वहाँ घर में एंट्री होने से पहले आपको एक लॉबी मिलती है छोटी सी। तो ये इसमें दिखाने की कोशिश की है क्योंकि ये आउटर स्पेस हो गया जहाँ आप मतलब आप सिर्फ अपन कहेंगे कि भी जो मर्द हैं वो बाहर ही रहते थे, घर के अंदर औरतों का होता था। धन्यवाद। इसके लिए दोनों के बीच में एक बॉर्डर, एक राजस्थानी परंपरा इसमें दिख रही है पुराने ज़माने में जो होता था। और सर, बताइए कितना समय लगा इस पेंटिंग को बनाने में। ये पूरा प्रोजेक्ट में 3 साल का काम है ये। मैंने इस प्रोजेक्ट पे डिटेल में हर बारीकी से हर चीज़ की स्टडी की और फिर मैंने इस प्रोजेक्ट में मैं चाहूँगा कि सर एक आध और पेंटिंग्स के बारे में हमें बताएं। आइए दूसरे पेंटिंग्स की तरफ नज़र डालते हैं। सर, इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए, कहाँ की है, क्या है, कैसी है। ये पेंटिंग का मुख्य द्वार है, घर एक घर का मुख्य द्वार है। ये छोटे घर होते हैं वो हवेलियाँ होती हैं, उसमें क्या है ज़्यादा आगे स्पेस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार के बाद में एक दूसरा अंदर द्वार आता है घर के अंदर घुसने का, तो इसके मैंने दिखाना चाहा है कि भी ये इसमें कैसे मतलब पार्टीशंस करके वो आर्किटेक्चर का इतना खूबसूरती से निर्माण करते हैं। सर, इसमें आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, ये आकृतियों के बारे में कुछ बताएं। मैं आपको इसके लिए मैं इसे शुभम जी जी इस बारे में सर। हाँ, ये एक घर का मुख्य द्वार है तो इसमें देखिए आप,
इसमें विनायक का होता है, ये राम सीता लक्ष्मण और इधर संत ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये पेंटिंग का नाम है शुभ लाभ। सो घर में घुसने से पहले ये परंपरा है कि वहाँ संतों की भगवान की और सब की पेंटिंगें बनाते और फिर उसे घर में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, जैसे परंपरा है आज भी कुछ घरों में ऐसा रहता है कि बना के रखते हैं लोग, तो उसी के बारे में सारी चीज़ें। सर आप कुछ चीज़ें और हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, ये कैसे आपने सोचा और कब से आप मतलब पेंटिंग्स का शौक कहाँ से आया और कितने सालों से आप कर रहे हैं? मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, तो बचपन में ही मुझे वातावरण मिला कला सीखने का, तो और फिर मैं मुझे कई गुरु जानकार गुरु मिले जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला, और फिर मैंने अच्छे मास्टर्स की जो यूरोपियन मास्टर उनकी अच्छी स्टडी की है, तो ऐसा करके मेरी यात्रा मिली है। फिर पेंटिंग्स मैंने की, लोगों को पसंद आई, तो फिर ये यात्रा आगे बढ़ती गई। कितने सालों से कर रहे हैं आप सर? मैं 18 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो करीब 40 साल से मैं ये पेंटिंग का काम। सर कोई विशेषज्ञ आपने इसके बारे में कोई कोर्स किया था पहले, पढ़ाई लिखाई या कुछ ऐसा? मैंने ड्राइंग में बीए किया है, पर उससे ज़्यादा मैंने मतलब कलाकारों के काम देख के, कलाकारों से मुलाकात करके, उनसे प्रेरणा लेके ज़्यादा सीखा है। कहीं ना कहीं फैमिली का भी असर रहा कि जैसे कि आपने बताया कि पिताजी खुद आर्टिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं उनका कहते हैं कि मतलब होता है ऐसे कि परिवार में अगर कोई कुछ होता है तो लक्षण आ जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो है, ईश्वर की प्रदत्त तो है मेरे में। फिर है कि उसको अच्छा, मुझे अच्छे लोग मिले जिसने मुझे अच्छा सीखने को मिला आगे। शेखावाटी इज अ यूनिक प्लेस इन राजस्थान। वी हैव 32 डिस्ट्रिक्ट्स, बट 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट्स जॉइंटली आर कॉल्ड शेखावाटी, झुंझुनू सीकर पार्ट ऑफ चूरू। द स्पेशलिटी ऑफ शेखावाटी इज द आर्ट ऑफ फ्रेस्को is very old. All the Haveli people have already, all the business houses are from there. They have already left Shekhawati and gone to Calcutta, Bombay, Madras, Delhi in the 1930s, 40s. So it's all, for last 80 years nobody is staying there. Some Havelis are even 100 years old. These paintings, at that time nobody understood the value. So artisans just painted, nobody still knows what is the material used in this paint. For 100 years it can last. Jo painting bahar hai, exposed to the sun or the rain, it will become faded. But you go inside, in the rooms, you cannot believe that it is painted 100 years ago. You can't believe, even today. Now very few Havelis have got the conservation or preserve, it costs money. It's very difficult. We had, our family had a Haveli, which we are restoring. Last 10 years, Rajan? 10 years or more? 12 years. 12 years, the restoration work is going on. Every month. It's very, see, repainting is easy. But repainting means the whole thing will be destroyed. It look very fresh. But then that is not the art, is remove the dust, grime, and restore it. It's going on, I think it will go on for many more years still. But it is great satisfaction to do it. But I did not know, only few days ago I met him, that this, he has transcribed this on painting in a way I can't imagine. Absolutely. We have got photographs. Yes. We have brought a whole Haveli book of ours of photographs. But he has done something remarkable. And to bring this effect, this small features, is very painstaking. But he has done it very well. Very well managed. And I must congratulate him. Absolutely. And I was not, even when I met him, I was not prepared with the size. The size is also big. So paintings are really looking good. Then my friend Ramesh, he always accompanies me to Nawalgarh. His Haveli is also in Nawalgarh. Oh, I see. But this kind of art, I could not imagine. Photography is okay. It's also an art by itself. But painting is really painstaking. I must congratulate him. And please carry on the good work. अभी जो आपने बताया था, एक शेर सुनाया था मुझे कि पेंटिंग के बारे में, कितना लाइव पेंटिंग है, आप ही ने सुनाया था, वही सुना दो। क्या बताया था उन्होंने कि क्या खूब उतारी है मुसव्वर ने तस्वीर, मुसव्वर माने चित्रकार, क्या खूब उतारी है मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर, जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है, कहीं कुछ कह न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर, जो उन्हीं का शेर है। बात तो सही है, बात तो है।
तो आई एम वेरी हैप्पी टू इनॉग्रेट दिस। कब तक चलेगा ये? 3 दिसंबर तक है, 3 दिसंबर तक। कितने दिन हुए आज, क्या तारीख है? 27 है, 6-7 दिन, एक हफ्ते का। ठीक है सर, आप पेंटिंग्स के बारे में बताएं, किस तरीके से आपने बनाया है, क्या क्या चीज़ें? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और मेरे पिछले 3 साल के मेहनत का ये जो मैं लिख करके लेके आया हूँ उसको आपने देखने के लिए थोड़ा समय निकाला, ये इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और आपने अप्रिशिएट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और शेखावाटी क्षेत्र वास्तव में ऐसा है कि ये मेस्मराइजिंग है। आप हवेलियों में एक बार घुस जाएँ तो आपका मतलब दूसरे ही और एरिया मतलब दूसरे युग में पहुँच जाते हैं एक तरह से। और उनकी जो लाइफ स्टाइल है और हर हवेली का आप पता कर सकते हैं कि कौन से समय बनेंगे वहाँ, जो चित्र बने वो एक्चुअली वो उस समय का दास्तान है एक तरह से। कि जैसे जैसे सिलाई मशीन आई थी तो कहीं पे कोई बिल्डिंग कोई हवेली में सिलाई मशीन का चित्रण हुआ है, हेलीकॉप्टर का या हवाई जहाज आई है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये हवेली कौन से साल में बनी है। वाह, तो ये और उनके जो आर्किटेक्चर में जो बदलाव आए हैं, जैसे यूरोपियन आया है, कहीं इटालियन टच आया है तो उनकी बनावट में, तो आप पूरा एक वास्तव में रिसर्च का विषय है कि आप कौन सी हवेली में क्या क्या बदलाव आए समय के साथ में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये देख के मैं वास्तव में हैरान हूँ और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को मैं मेरे शेखावाटी क्षेत्र को सबके सामने, इस खूबसूरती को सबके सामने लेके आऊँ, ये मेरा प्रयास है। और आप मुझे सराहते हैं, मुझे धन्यवाद। अभी भी 50,000 European tourists come there every year. French, German, Italian, Spanish, but more French and German because they are very much interested in these frescoes. और सर का धन्यवाद इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने हवेली को जिस तरह से प्रिजर्व किया है, जिस तरह से इन्होंने अपना समय और अपना पूरा अटेंशन दिया है, वो काबिले तारीफ है। कि मैं भी इतने कम से कम 3 साल में कम से कम 10 साल गया हूँ मैं उस एरिया में बार बार, और सब लोगों के मुँह से इनके बारे में जो सुना उसने मुझे मेरी इच्छा हुई कि मैं सर से मैं इस शो को इनोग्रेट कराऊं। और ये इस की कृपा हुई कि सर का अनुमति मिली और इनके हाथों से ही चीज़ का उद्घाटन हुआ। अधिवेशन अगले कुछ दिनों तक यहां चलने वाला है मुंबई के नेहरू सेंटर में। कैमरा पर्सन श्याम कंगरे के साथ मैं शुभम मिश्रा, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।